अभी हमारे जो नेता हैं वो हमारी जो महान विभूतियां हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, अभी बताया कि कल गुजरात मोरबी में एक पुल के गिरने से 140 लोगों की दुखद मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। सभा शुरू करने से पहले हम जितने कांग्रेस के परिवार के लोग हैं उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होके उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें कृपा करके। ओम ओम शांति। देवभूमि की परंपरा के अनुसार हमारी राष्ट्रीय महासचिव यहां पधारी हैं। मेहमान नवाजी के लिए हिमाचल जाना जाता है। मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह सीजे निवेदन करूंगा, वे अभिनंदन स्वागत शॉल और टोपी पहना के और एक हमारा मंडी जिला का जो एक प्रतीक चिन्ह है देवास रथ है और हम हिमाचल के लोगों की देवी देवताओं में जो अपार श्रद्धा है विश्वास है उसी के अनुरूप सम्मानित कर रही है हमारी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी। अब मेरा निवेदन है नेता प्रतिपक्ष हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का समग्र विकास और खुशहाल प्रदेश बनाया है, उनको सम्मानित कर रहे हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष बघेल साहब को। नेता प्रतिपक्ष जी सम्मानित कर रहे हैं और हमारे प्रताप सिंह बाजवा जी, जो हमारे वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं हिमाचल प्रदेश चुनावों के, उन्हें हमारे प्रचार समिति के अध्यक्ष भाई सुखिंदर सिंह सुखू जी, उनको सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा मेरे माननीय साथी हरिंदर सेन जी, हमने एक शिव नगरी में यहाँ हमारी नेता आई है और हम जिला कांग्रेस मंडी की कमेटी की तरफ से उनको एक तरशूल भेंट कर रहे हैं। अब मेरा निवेदन है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, जो हमारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्षा हैं, वे आए मंच के ऊपर और हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के स्वागत में इस जनसभा का संबोधन करें।
आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म तिथि है, उनको भी हम इस मौके पर अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जिनका हम दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने मंडी में आकर हमारी इस देव भूमि को सुशोभित किया है और सभी लोगों को दर्शन देकर एक खुशी की लहर जो लोगों के बीच में आई है, उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, प्रचार समिति के अध्यक्ष श्री सुखिंदर सुखू जी और सभी यहाँ मंच पे बैठे हमारे पूर्व में कांग्रेस सरकार के मंत्रीगण, सभी विधायकगण और सभी उपस्थित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, महिला मंडल के प्रधानगण और जिला परिषद और सभी सेवा दल NSUI यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आकर इस जनसभा में इसकी शोभा को बढ़ाया है। आज की इस चुनावी जनसभा में आप लोगों ने का दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मंडी संसदीय क्षेत्र से जो प्यार सम्मान मुझे और मेरे परिवार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को दिया है, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। मंडी से हमारा एक राजनीतिक रिश्ता ही नहीं बल्कि एक ऐसा अटूट परिवार का रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता, ये बहुत ही मजबूत और विश्वास पर कायम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि केंद्र में एक ऐसी तानाशाही सरकार बैठी है जिनकी नीतियों और निर्णयों से देश के हर नागरिक परेशान है। लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एक भारत जोड़ो यात्रा को शुरुआत की है और जिसमें देश के लोगों का भारी जन समर्थन उनको मिल रहा है। इस यात्रा से भाजपा भी परेशान है और उनके इसमें व्यवधान उत्पन्न करने की पूरी कोशिश की जा रही है। श्री राहुल गांधी जी की ये पद यात्रा देश में एक मील का पत्थर साबित होगी। आप सब जानते हैं कि हमारे और आपके लोकप्रिय नेता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने अब हमारे बीच में नहीं है और उनका मंडी से एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। वो इस क्षेत्र के 5 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और वो हर बार मंडी को अपनी कर्म भूमि कहते थे। उन्होंने जो इस क्षेत्र में काम किए हैं, अभूतपूर्व काम उनके द्वारा किए गए, केंद्रीय जोन का दर्जा मंडी को देकर इस प्रदेश सरकार के मुख्य कार्यालय खोले, इसके अतिरिक्त कमांड में IIT खोली, नेहर चौक में मेडिकल कॉलेज खोला, मेडिकल यूनिवर्सिटी मुख्य रूप से खोले गए, सुंदर नगर में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT इवनिंग कॉलेज, मंडी के शहर को 100 करोड़ की पेयजल योजना व मंडी शहर के सौंदर्यकरण को 32 करोड़ इसके ऊपर खर्च किया गया। अगर आप इस पूरे संसदीय क्षेत्र को देखेंगे तो मंडी आज अपनी एक अलग से विशेष पहचान बना चुकी है और आपके सहयोग और आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। साथियों, आपने मुझे तीसरी बार संसद में जाकर
जाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो पिछला उपचुनाव था उसमें आपके सहयोग और आशीर्वाद की वजह से ही हमें इसमें सफलता प्राप्त हुई। आज प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पृथक प्रयास कर रहे हैं। दिन रात हमारे जितने भी पार्टी के वर्कर हैं, जितने भी पार्टी के नेतागण हैं, उन्होंने रात दिन एक करके इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए पूरा पूरा प्रयास किया है। और आप सब जानते हैं कि ये बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से आज लोग बहुत त्रस्त है। कितनी बार प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आ चुके, पर एक बार भी उन्होंने बेरोजगारी को हटाने का जिक्र नहीं किया, एक बार भी उन्होंने महंगाई कम करने को का जिक्र नहीं किया। आप सब जानते हैं जयराम ठाकुर की सरकार में पुलिस भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ। ये जो बच्चों ने बड़े शौक से इसमें आवेदन पत्र भरा, उसमें अंक भी हासिल किए, और अंततः जब रिजल्ट आने का वक्त आया तो ये कहा गया कि ये पेपर लीक हुआ। ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये पेपर बेचा गया। ये हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति जानती है, और वक्त आएगा कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम इसकी अच्छी तरह से तहकीकात करेंगे और जो इसमें गुनाहगार पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपको पता है कि आज हमारा प्रदेश 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी इस आर्थिक बोझ कम करने की एक बार भी बात नहीं की, ना ही जयराम ठाकुर ने उनसे ये मांग की और ना ही प्रधानमंत्री ने हमारे को कोई इसमें राहत देने की बात की है। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये वो मौका आया है जब आप दोबारा से कांग्रेस की सरकार को लाने के लिए आपका सहयोग, आपकी सहानुभूति, आपकी हमदर्दी जो सदा हमारे साथ रही है, वो इस बार भी आप इस चुनाव में अवश्य देंगे। हमारी इस मंडी शहर की प्रत्याशी श्रीमती चंपा ठाकुर जी यहाँ बैठी है, उनको भी आपने भरपूर सहयोग देना। बल से हमारे चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, उनको भी आप देना, और जितने भी हमारे यहाँ पर प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, उनको आपने समय समय पर अपना आशीर्वाद दिया है, और इस चुनाव की बेला में भी इनको अपना आशीर्वाद देना। मैं ज्यादा समय ना लेती हुई, क्योंकि प्रियंका जी ने भी वापस भी जाना है, इसलिए आप सब की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप सोलन आई, वहां भी ऐसी ही भीड़ आपको देखने को मिली। लोगों का इस परिवार के प्रति बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहे, और उसी तरह से राहुल जी और प्रियंका जी आज देश की सेवा में जो जुटे हैं, वो सभी उस बात को भली भांति जानते हैं। हमारी माताएं और बहनों को आज जो ये बाहर आकर काम करने का मौका मिला है, इसमें भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने जो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, आज उसकी वजह से महिलाएं ग्राम पंचायत की प्रधान बनी है और बीडीसी में आई है, जिला परिषद में आई है। तो मैं आप सब की तरफ से, महिलाओं की तरफ से कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बहुत हमारे को आगे आने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम यहाँ हैं, इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपका सहयोग, आपका स्नेह हिमाचल प्रदेश को मिलता रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत मजबूती मिली है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद रैन साहब। अब मैं हमारे सुंदर नगर के प्रत्याशी सोनलाल जी भी है, आप इनको भी विजय बनाकर भेजेंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और कोई है? नरेश चौहान जी हमारे नाचन से, चंद्रशेखर जी हमारे धर्मपुर से, और हमारे पवन जी सरका घाट से, इन सभी को आपने जिताकर विधानसभा में भेजना है। और ठाकुर कौल सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ नेता है द्रंग से, उनको भी आपने जिताकर विधानसभा में भेजना है, ताकि हम एक अच्छा
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत, और सुरेंद्र पाल ठाकुर हमारे जोगिंदर नगर से प्रत्याशी है, उनको भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, उनको भी आप विजय बनाकर विधानसभा में भेजे, ये मेरी आपसे पुरजोर अपील है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। अब मैं मंच पर उस शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने अपने प्रदेश के अंदर विकास की एक नई इबारत लिखी है अपने कुशल नेतृत्व से, और जो वादे उन्होंने उस प्रदेश की जनता से किए उनको निभाया, उनको बलिभूत किया, और उनके कुशल नेतृत्व से वो प्रदेश चमका और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अग्रणी राज्यों के दर्जे में वो प्रदेश है। और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आज मंडी में हम सब आए प्रियंका जी के साथ, भगवान भूतनाथ जी के दर्शन किए, इसे छोटा काशी भी कहा जाता है, और उसके बाद गांधी जी के मूर्ति में माल्यार्पण किए, और यहां दो महान शख्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है, जिसे लौह पुरुष कहा जाता है, और दूसरा श्रीमती इंदिरा गांधी जी जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू जी ने देश के एकीकरण की जिम्मेदारी दी थी, इसलिए उसे लौह पुरुष कहा जाता है, और इंदिरा जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ऐसे दो महान विभूतियों की एक की जयंती, दूसरे की पुण्यतिथि है, तो मैं आप सब से निवेदन करूंगा मेरे साथ दोनों महापुरुषों की जयकारा का नारा लगाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। मंच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और यहां के सांसद आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, आदरणीय प्रताप सिंह बाजवा जी, सीएलपी लीडर आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, सुखिंदर सिंह सुक्खू जी, तेजिंदर बिट्टू जी, संजय दत्त जी, गुरु किरत कोटली जी, अलका लामी जी, लांबा जी, कौशल सिंह ठाकुर जी, प्रकाश चौधरी जी, सोहनलाल जी, रंगीला राम राव जी, प्रदीप नरवाल जी, और सभी मंचस्थ हमारे अतिथिगण, और हमारे कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकृत विभिन्न विधानसभा के सभी प्रत्याशीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, आप सब प्रियंका जी को सुनना चाहती हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा देर आपके और प्रियंका जी के बीच में नहीं रहना चाहता। कुछ बातें हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सब अभी इंदिरा जी को नमन आपने किया, इंदिरा जी का हिमाचल से क्या नाता है इसे बताने की जरूरत नहीं है। परमार साहब, वीरभद्र सिंह जी, इनके योगदान के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हिमाचल की पहचान है इन्हीं महापुरुषों के, इन महान व्यक्तियों के योगदान के कारण से। और प्रियंका जी तो हिमाचली हो गई हैं, यहीं के निवासी हैं, यहीं उनका घर है, तो आपके बीच में आपके नेता उपस्थित हुई हैं। आदरणीय साथियों, 5 साल पहले
चुनाव हुआ तो बहुत खुश थे आप लोग, क्योंकि आपके आपको अपना मुख्यमंत्री यहीं से मिला था। लेकिन समय बीतते बीतते जो उम्मीदें थी वो काफूर हो गई और स्थिति ये बनी कि आज लोग चुनाव के तिथि का इंतजार कर रहे हैं, कब ये मतदान हो। और ये डबल इंजन कहने वाले लोग, हिमाचल के लोगों की निगाह में ये ट्रबल इंजन है। ट्रबल का मतलब जो तकलीफ दे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस सब के आकंठ में डूबा हुआ। यहाँ के नौकरी को बेचने वाले, यहाँ के लोगों के नौकरी को छीनने वाले, यहाँ के लोगों को बेरोजगार करने वाले, यहाँ के किसानों मजदूरों के हक छीनने वाले लोगों की सरकार की विदाई आप सब चाहते हैं। हमारे नेताओं ने, प्रदेश के नेतृत्व ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने प्रस्ताव किया, हम ये घोषणाएं करेंगे। 10 गारंटी की अप्रूवल इन्होंने ली। 10 गारंटी की जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि यहां महिलाओं को 1500 रुपया देने की बात होती है, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है, ओपीएस लागू करने की बात हो रही है, गोबर खरीदी और दूध खरीदने की बात की जा रही है, अंग्रेजी स्कूल हर विधानसभा में खोलने की बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा। इन लोगों ने वादा किया था, वो तो पूरा नहीं किया। 69 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की बात कही थी, एक भी नहीं बना। इस मंडी में एयरपोर्ट बनाने की बात की गई थी, वो भी नहीं बना। अब कहते हैं जब कांग्रेस 10 गारंटी हिमाचल की जनता को दे रही है तो कहते हैं पैसा कहां से आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2018 में राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 1300 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर चुके हैं। वो 2018 में राहुल जी हमारे नेता छत्तीसगढ़ गए थे, वहां के किसानों से जो वादा किया, वहां के मजदूरों से वादा किया, वहां के आदिवासियों से जो वादा किया, आज पूरा हो रहा है। किसानों से वादा किया था कि 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 2500 तो राहुल जी ने कहा था। पहले साल दिए भी, केंद्र सरकार ने डंगा लगाया, आप बोनस दे रहे हो, आपके धान हम नहीं लेंगे, चावल नहीं लेंगे। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, 4 किस्तों में हम देते हैं। पहला 20 अगस्त राजीव जी की जयंती, 21 मई राजीव जी की शहादत दिवस, 20 अगस्त राजीव जी की जयंती, 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस और 31 मार्च साल का आखिरी, 4 किस्त में देते हैं। अभी चूंकि दीपावली 24 अक्टूबर को हुआ, हमने अपने किसान भाइयों से कहा कि हम दीपावली से पहले देंगे। कुछ किसान हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, किसान भी हैं, ये आए हैं 17 अक्टूबर को। छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों, गौपालकों को 2000 करोड़ रुपया वितरण किए, आप पता कर लीजिएगा। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कुछ मंच में बैठे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। तो जो वादा राहुल जी ने किसानों से किया था, जो वादा गौपालकों से किया था, जो वादा वहां के आदिवासी और मजदूरों से उन्होंने किया था, वो सारे वादे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, ये 4th साल बीत रहा है। 4 साल हमने वादा पूरा किया। कोरोना काल में भी किसानों को पैसा हमने दिया है। जब छत्तीसगढ़ में हम दे सकते हैं, हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
आपको कांग्रेस पर विश्वास है कि नहीं है? मुझे जवाब मिल गया साथियों, आपके हित के लिए, आपके हक के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रही है और इस चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने आपको गारंटी दी है वो सब पूरा होगा, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी भर्तियों की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान में राशि देने की बात हो, चाहे गौ पालकों या किसानों से जो वादा किया गया है। आज किसानों को कोई दाम नहीं मिल रहा है, किसानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी करती रही है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, इनको तो विदा करो। जयराम ठाकुर आपसे बहुत वादा किए थे, एक भी पूरा नहीं किया, अब आप उनको जयराम करिए, जयराम जी की करिए और कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए और अपने घर में खुशहाली लाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबको कांग्रेस के प्रत्याशी जिताने का आह्वान करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद भूपेश बघेल जी। मेरा जितने भी हमारे मंडी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वे कतार में खड़े हो जाएं और हमारी नेता अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी उनके साथ रूबरू हो रहे हैं, अपना जल समर्थन, अपना आशीर्वाद। मैं आग्रह कर रहा हूं श्रीमती प्रियंका गांधी जी, क्योंकि ये हिमाचल श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आशीर्वाद से बना, उनके स्नेह से बना, और हिमाचल के लोग श्रीमती इंदिरा गांधी जी राजीव गांधी जी के ऋणी हैं, और हमारी राष्ट्रीय महासचिव आज प्रियंका गांधी जी यहाँ पधारी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। आप इस जन समूह को संबोधित करें श्रीमती प्रियंका गांधी जी। मैं सब कांग्रेस के लोगों से आह्वान करता हूँ, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। धन्यवाद बहनों और भाइयों, मैं आज मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबा भूतनाथ जी के मंदिर में गई, मैंने दर्शन किया। जाते वक्त मैं देख रही थी कि आप सब यहाँ पे बैठे हैं और काफी धूप भी है, आपने इतना इंतजार किया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। भूपेश बघेल जी, प्रतिभा सिंह जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, श्री कौल सिंह ठाकुर जी, श्री सोहन लाल जी, प्रकाश चौधरी जी, चंपा ठाकुर जी, चेतन ठाकुर जी, चंद्रशेखर जी, पवन ठाकुर जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, नरेश चौहान जी, महेश राज जी, और यहाँ पर उपस्थित तमाम कांग्रेस के नेतागण, वरिष्ठ नेता और आप सब कार्यकर्तागण, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आज जैसे आप सबने कहा, हम दो महापुरुषों की याद करते हैं, सरदार पटेल जी जिनका आज जन्मदिन था, जिन्होंने देश को जोड़ने के लिए, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए दिन रात एक किया, और इंदिरा जी जो मेरी दादी जी थी, आज उनकी शहादत का दिन है। देखिए, मैंने अपने पिछले भाषण में भी बोला सोलन में कि हिमाचल प्रदेश के साथ, और मैं कहूंगी कि देश के साथ, इंदिरा जी का एक आध्यात्मिक रिश्ता था, प्रेम का रिश्ता था, समर्पण का रिश्ता था, कर्तव्य का रिश्ता था,
और एक बहुत गहरा ऐसा रिश्ता था जो आजकल आज की राजनीति में कम ही दिखता है। अगर आज उनकी शहादत के 40 साल बाद भी अगर मैं यूपी के किसी छोटे गांव में जाती हूं जहां आज के आधुनिक समय में भी पहुंचना मुश्किल होता है और वहां मुझे कोई मिलता है जो कहता है कि दीदी आपकी दादी आई थी, हमने उनके लिए यहाँ पे खीर बनाई, आपके लिए भी वही खीर बना के हम आपको देना चाहते हैं, या हिमाचल के किसी गांव में मैं जाती हूँ तो कोई कहता है कि हमने आपकी दादी जी को देखा था और आदर के साथ प्रेम के साथ ये बातें कही जाती है, तो ये क्यों है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या खासियत थी इंदिरा जी में कि आज 40 साल बाद भी देश भर में उनके प्रति सम्मान आदर की भावना है? उनके गुजर जाने के बाद देश की राजनीति बहुत बदल चुकी है, आप सब मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। आज की राजनीति में पैसों का बोलबाला है, स्वार्थ का बोलबाला है, मीडिया बाजे वादे किए जाते हैं, लेकिन उस समय इंदिरा जी के समय ऐसा नहीं था। इसीलिए आज भी जब देशवासी उस समय को देखते हैं तो उनके मन में इंदिरा जी के प्रति आदर है, सम्मान है। जब हिमाचल बना, इंदिरा जी आई थी शिमला, उन्होंने भाषण दिया, बर्फ पड़ रही थी, फिर भी आप सब, शायद आप में से कोई है जिनके दादा दादी नाना नानी उस समय थे, खड़ी रही जनता उनकी बातों को सुनने के लिए। जो विश्वास उनके बीच और जनता के बीच में था वो टूटा नहीं। उस समय शायद आप जानते नहीं होंगे लेकिन देश में माहौल ये था कि लोग कह रहे थे कि ये प्रदेश बना रहे हैं, ये प्रदेश चल नहीं पाएगा, चलाने के लिए पैसा नहीं है, ये इंदिरा जी गलत कर रही हैं। लेकिन इंदिरा जी का विश्वास था आप पर, वो जानती थी कि हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की जनता बनाएगी। आप सब बैठ सकते हैं, मुझे समय लगेगा, बैठ जाइए। तो इंदिरा जी को पूरा विश्वास था कि आप ही हिमाचल प्रदेश को बनाएंगे। उस समय परमार जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने आपके लिए काम करके दिखाया। उसके बाद वीरभद्र सिंह जी भी आए, तमाम कांग्रेस के मुख्यमंत्री आए, आपने देखा कि काम क्या क्या हुआ। यहाँ हिमाचल को बनाने वाले हिमाचल के किसान, हिमाचल के कर्मचारी, हिमाचल के युवा जो सेना पे हमारे लिए खड़े होकर अपनी जान पर खेलते हैं, उन सब ने हिमाचल को बनाया। तो जब चुनाव आता है तो आपको कहा जाता है कि यहाँ की परंपरा बदलिए। अब देखिए, ये सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का प्रदेश है, उसी की भूमि है। मैं जानती हूँ मंडी में शिवरात्रि का 7 दिन का उत्सव होता है, कुल्लू में दशहरे की परंपरा है, नाटी लोक नृत्य की परंपरा है, देश के प्रति समर्पण की परंपरा है। यहाँ के युवा, जैसे मैंने कहा, सेना में भर्ती होते हैं, देश की रखवाली करते हैं। यहाँ के कर्मचारी देश के लिए दिन रात एक करते हैं, सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं। यहाँ की परंपरा ये भी है कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं लोग, कुछ बनाते हैं अपने जीवन का। आप खुददार लोग हो, आपने ये प्रदेश बनाया है, आपको गर्व होना चाहिए इस प्रदेश पर और अपनी परंपराओं पर। जब आपको कहा जाता है कि परंपरा बदलिए तो मैं इससे सहमत नहीं हूं, और इसकी एक वजह है। मैंने आपसे कहा कि आज की राजनीति बदल चुकी है, आज की राजनीति में स्वार्थ बहुत देखा जाता है। कई नेता ऐसे होते हैं जो आपके सामने आकर कुछ बोल लेते हैं लेकिन उसका कुछ मायना नहीं होता। और ये जो परंपरा आपने बनाई है ना कि हर 5 साल सरकार बदले, इससे नेता सीखता है, इससे नेता को समझ में आता है कि मेरे 5 साल हैं, या तो मैं करके दिखाऊं या मुझे खदेड़ा जाएगा।
और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है बहनों और भाइयों, इसको मत बदलो, नुकसान आप ही का होगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी भी परंपरा है पुरानी, 1862 में भी एक यहाँ पे एक वजीर होते थे नरोत्तम, उनका शासन था, बहुत लगान वसूलते थे, जनता का हक मारते थे, मदद नहीं करते थे, जब कोई दुखी होता था, संकट आती थी, आता था किसी पे, आपने उनको उस समय हटा दिया। तो आज की राजनीति में तो और भी महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने अनुभव पर चलिए, आप सोच समझकर अपना वोट डालिए, आप ही देखिए कि 5 सालों में आपके लिए किया क्या। हाँ ये सच है कि बड़े बड़े नेता हिमाचल के हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए किया कि आपके लिए किया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या किया है इस पूरे जिले के लिए, शायद अपने दायरे में अपनी विधानसभा में काम किया, उसके बाहर क्या किया। यहाँ के युवाओं की क्या स्थिति है, क्या रोजगार बने हैं, यहाँ कितने कितने युवा बैठे हैं, जरा हाथ उठाओ बताओ, रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में, क्यों नहीं मिला। आपको मालूम है कि 63,000 नौकरियां खाली पड़ी, पद खाली पड़ी हैं, सरकारी पद हैं, 63,000 सरकारी पद खाली हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। कभी आपने पूछा है क्यों? क्योंकि नियत नहीं है। आपके लिए सेना की भर्ती को देखिए, अग्निवीर ले आए, आप कह रहे हैं देश को कि आप देश के लिए शहीद होने के लिए आप तैयार हैं, आप कह रहे हैं आप जाके सरहद पे खड़े होंगे हमारे लिए, और ये सरकार कह रही है कि ठीक है आपको ना पेंशन मिलेगा, आपको ना कोई रैंक मिलेगा, 4 साल बाद आप घर लौट जाओ। ये हालात है कि हर भर्ती में घोटाला है, चाहे यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की भर्ती में घोटाला है, चाहे पुलिस की भर्ती में घोटाला है। तो क्या किया है नौजवानों के लिए, वही नौजवान जो इस प्रदेश को बनाने वाले नौजवान हैं, जिनका भविष्य इस प्रदेश से जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से आप देखिए पिछले 5 सालों में कमर तोड़ महंगाई है, दूध दही आटा सरसों का तेल पेट्रोल नाम लीजिए महंगा हो गया, GST लगा दी। यहाँ पे सेब के बागबान वाले हैं, आप जानते हैं कि उसके पैकिंग के गत्ते पे भी GST बढ़ा दी है। तो हर तरफ से आपको मारा जा रहा है, चाहे महंगाई से, बेरोजगारी से, यहाँ के कर्मचारियों ने इस प्रदेश को बनाया, शायद इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्मचारी होंगे पूरे देश भर में से अगर प्रतिशत देखा जाए। लेकिन आज सरकार क्या कर रही है, आपकी पेंशन छीन ली है, तो आपकी पेंशन भी छीन ली, आप जिंदगी भर काम करेंगे। और सरकारी नौकरी के लिए क्यों चाहते हैं लोग सरकारी नौकरी, क्योंकि एक आशा होती है कि नौकरी के बाद भी जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा कुछ मेरी कोई सुरक्षा होगी, एक सिक्योरिटी होगी, वो भी छीन लिए आपसे। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम स्कीमें इनकी ऐसी हैं जिनसे आपकी भलाई नहीं होती, इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की भलाई होती है। आप बागबान के मालिकों से पूछिए, किसानों से पूछिए, दाम कौन तय कर रहा है आज फसल का, क्या आप तय कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्हीं के कोल्ड स्टोरेज, वही तय करेंगे दाम, आपसे खरीदेंगे 90 रुपए में और जाके बेच देंगे कितने में ही, जितना उनका जी चाहे। तो ये स्थिति है, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है एक प्रदेश में या एक देश में, तो जनता को जागरूक होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप मंडी की अर्थव्यवस्था को देखिए, आपकी अर्थव्यवस्था खेती बागबानी सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर है। सेब टमाटर का आपको सही दाम नहीं मिल रहा है, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ बनाया नहीं गया, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिला, कोई भी विकास नहीं हुआ है, यहाँ की सड़कों की का भी बुरा हाल है। तो आप अपने आप से पूछिए
कि 5 सालों से ऐसी राजनीति चल रही है आपके प्रदेश में, क्या आप 5 साल और इनको देंगे? तो 5 साल और में होगा क्या आपके लिए? तो अपने अनुभव पे चलिए। मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह करना चाहती हूँ, जागरूकता से अपने अनुभव पे सोच समझ के देखिए कि हमारे लिए 5 सालों में किया क्या और दूसरों ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस पार्टी आज क्या कह रही है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो कांग्रेस कह रही है कि वो करेगी। फिर आप देखिए कि कांग्रेस के प्रदेशों में जब उन्होंने वादा किया, क्या वो वादे रखे? क्या जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने वादा किया कि किसानों का कर्ज माफ होगा, तो क्या किया कि नहीं किया? किया ना। बघेल जी बता रहे थे कि अपने प्रदेश में जब ऐसा वादा किया तो सरकार बनते ही 3 घंटे बाद उन्होंने ये काम करना शुरू कर लिया। आज हिमाचल में हम कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में ये तय कर, ये घोषणा आएगी उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं, इनको भरा जाएगा, इससे ज्यादा आपको 1,00,000 रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होके उस दिन से शुरू मिलना शुरू होगा। 5 सालों में हम कह रहे हैं कि कम से कम 5,00,000 रोजगार हम बना के दिखाएंगे। जो मेरे युवा मित्र हैं यहाँ, आप सब जिन्होंने हाथ उठाया, 680 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड बनाएंगे जिसमें 0% 0% ब्याज पे आपको मदद मिलेगी। आप अपना छोटा कारोबार बनाना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, आपको पैसे मिलेंगे और एकदम 0% ब्याज मिलेगा उस पर, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो सके। हर गांव में हम मोबाइल क्लिनिक बनाना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि वीरभद्र सिंह जी के समय में कितने आपके जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो बने थे, लेकिन आज के दिन वो ठीक तरह से चल नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनको फिर से अच्छी तरह से चलाया जाए और हर गांव-गांव तक मोबाइल क्लिनिक जाए। हर विधानसभा में हम 4 अंग्रेजी के मीडियम स्कूल बनाना चाहते हैं। तो आप ही देखिए, ये तो कुछ ही चीजें हैं। हमारे घोषणा पत्र में बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम आपकी भलाई के लिए करना चाहते हैं। आप अपना अनुभव देखिए। कांग्रेस ने मंडी में IIT बनाई, 24 घंटे पानी को उपलब्ध किया, सुअरेज सिस्टम बनाया, सचिवालय बनाया, शासन प्रशासन के लिए मंडी में एक सेंट्रल जोन बनाया, वीरभद्र सिंह जी ने गांव-गांव में पाठशालाएं बनाई, शिक्षा साक्षरता में हिमाचल को एकदम टॉप पे पहुंचाया, मंडी में मेडिकल कॉलेज भी बनवाया और आज आपके यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, क्या बनाया? कोई ऐसी चीज आपको दिख रही है? कोई IIT, कोई मेडिकल कॉलेज, पाठशालाएं, अस्पताल, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं किया। तो ये वही राजनीति है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, स्वार्थ की राजनीति है। आपके सामने आकर कुछ भी वादा हो सकता है, लेकिन वो जमीन पे नहीं उतरेगा, वो सच्चाई में नहीं बदलेगा। तो आप ही सोचिए कि आगे 5 सालों में आप चाहते क्या हैं। मैं तो कहती हूं कि सरकार बदल दीजिए, अपना भविष्य बदल दीजिए। आपसे इन्होंने पुराना पेंशन छीना, हम आपको पुराना पेंशन वापस देंगे। आपसे डिग्री छीनी, आपसे रोजगार छीना, हम आपको देना चाहते हैं। सैनिकों की के लिए इन्होंने ये अग्निवीर की स्कीम निकाली, हम आपको रैंक और आपका पेंशन देना चाहते हैं। हम आपको शिक्षित करना चाहते हैं, आपके प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जितने भी यहाँ नेता बैठे हैं और जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो आपके प्रति समर्पित हैं, आपके लिए दिन रात एक करके दिखाएंगे। इसीलिए इस चुनाव में अगर आप अपना मन बनाएं और एक बार फिर वही परंपरा रखें
जिनको ये तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाए, तो आपको खुद अनुभव होगा कि एक नई राजनीति, एक अलग राजनीति जो आपकी भलाई के लिए चलती हो, जो आपके हित में काम करती हो, वो आपको दिखेगी। तो मैं आशा करती हूँ, आप सबने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है, मैं आशा करती हूँ कि वोटिंग के दिन भी आप मेरी बातों को याद रखेंगे और अपने लिए ही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और एक ऐसी राजनीति के लिए जो आप ही को आगे बढ़ाना चाहे, उसी के लिए आप वोट देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अब मुकेश अग्निहोत्री जी धन्यवाद करेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, आप लोगों की आवाज बहुत उठाई है विधानसभा में। आदरणीय प्रियंका गांधी जी आज मंडी में आई और उन्होंने कांग्रेस के प्रचार अभियान में जो गति दी है, जो मार्गदर्शन हमारा किया है, हम उनके आभारी हैं। हम आभारी हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का। और आप सब से ये आग्रह है कि 15 दिन के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएं। 15 दिन रहते हैं, 15 दिन के बाद आपकी सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी। हमारे 10 प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हें जुताए और शिमला के सचिवालय पे कांग्रेस का झंडा बुलंद करें। प्रियंका जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।